हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कुछ दिन पहले मैंने फ्लिपकार्ट से आईज पैलेट ऑर्डर किया और साथ ही में मेकअप ब्रश भी ऑर्डर किया था। तो फ़िलहाल मेरे दोनों पार्सल्स आ चुके हैं फ्लिपकार्ट से। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि ये दोनों कैसे हैं। तो जो आईज पैलेट मैंने ऑर्डर किया है वो न्यूड आई शेडो पैलेट एंड रोज़ गोल्ड आई शेडो है। जी हाँ, मुझे दो पैलेट्स मिला है और वो भी बहुत चीपेस्ट रेट में। पर बिफोर मैं आपको बताऊं कि इसका रेट एक्चुअली में है क्या, मैं बताना चाहूँगी कि इसका एमआरपी क्या है। तो ये प्रोडक्ट है स्किन प्लस न्यूड आई शेडो पैलेट एंड रोज़ गोल्ड आई शेडो 36 ग्राम मल्टी कलर। मतलब इसमें 36 ग्राम मल्टी कलर्स मिले हुए हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा और आपको भी अच्छा लगेगा आई एम श्योर। और कंट्री ऑफ ओरिजिन, अब बात करते हैं कि कौन सी कंट्री का है। आप लोग गेस कर सकते हैं कौन सी कंट्री का है? ये चाइना का है। जी हाँ, कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना का है। अब हम इसकी एमआरपी में आते हैं, मतलब इसकी एमआरपी क्या हो सकती है और इसका रेट क्या हो सकता है। मतलब इसके अंदर दो आईज पैलेट है, न्यूड आई शेडो पैलेट एंड रोज गोल्ड आई शेडो। मतलब एक न्यूड पैलेट है और एक रोज गोल्ड आई शेडो पैलेट है। तो इसकी एमआरपी इसमें बता रहे हैं 799 इसकी एमआरपी है। और ये मुझको कितने में पड़ा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मुझे सिर्फ और सिर्फ 250 में पड़ा। मतलब मुझे दो आइस पैलेट्स सिर्फ और सिर्फ 250 में पड़े। और आई मीन लाइक काफ़ी चीप रेट में मुझे दो आइस पैलेट मिले और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इसको खोलने के लिए। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। तो हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं अपने आईज पैलेट की, हालांकि मैंने पहले से ही खोल रखा है। इसको खोलना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने सोचा पहले से ही खोल के रख लेती हूँ। ओके, तो पहला आईज पैलेट कुछ दिखने में ऐसा है। और जब इसे मैंने देखा फर्स्ट टाइम, तो कितना फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड लास्ट इम्प्रेशन, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और दूसरा जो है वो न्यूड पैलेट है वो ये है। तो हालांकि इसको भी मैं खोलने वाली नहीं हूँ, तो अभी हम इसकी बात करते हैं। तो ये पैलेट कुछ दिखने में ऐसा है और इसके अंदर ये ढेर सारे कलर्स हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा खोल के। इसके कलर्स भी जो है काफ़ी अच्छे हैं, मैं दिखा दूँ। थोड़े लाइट है बट काफ़ी अच्छे कलर्स है इसके। थोड़े से लाइट है, मुझे आइडिया नहीं था कि इतने लाइट होंगे, पर जब आप इसको आईज में अप्लाई करते हैं तो आपकी आईज काफ़ी अच्छी पॉपअप हो जाती है और स्मोकी लुक भी आप इससे अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने स्मोकी लुक क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी, तो इसी आईज पैलेट से मैंने किया है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये दिख भी रहा है, बेसिकली ये दिख रहा आईज के ऊपर कि स्मोकी लुक क्रिएट किया गया है। तो चलिए अभी हम अनबॉक्सिंग करते हैं ब्रश की। तो जब हम ब्रश ओपन करेंगे तो साथ ही साथ आईज पैलेट को भी देख लेंगे कि उसके कलर्स कैसे दिखते हैं आईज के ऊपर। तो ये मुझे ब्रश कुछ ऐसे बॉक्स में मिला है और खोलने में ये सारे ब्रशेस ऐसे हैं। तो ये काफ़ी अच्छे ब्रश मुझे लग रहे हैं, स्मूथ भी है, बहुत स्मूथ है। तो चलिए अब आईज पैलेट
से कुछ लुक क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि इसके जो शेड्स हैं वो कैसे हैं। तो मैंने अपने आईज से आई शेडो रिमूव कर लिया है, तो अभी जो मैं लुक क्रिएट करने वाली हूँ वो लुक थोड़ा स्मोकी लुक होने वाला है बिकॉज ऑफ माय ब्लैक ड्रेस। तो मैं यूज़ करने वाली हूँ ये ब्लैक जो मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है मॉर्निंग में, तो सेम लुक मैं ट्राई करने वाली हूँ जो मैंने मॉर्निंग में अप्लाई किया था। पर उससे पहले हमको बेस बनाना पड़ेगा। बेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप मेकअप करते हैं तो आपका बेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बेस नहीं है तो कोई भी कलर अगर आई शेडो आप अपने आईज़ पे यूज़ करते हैं तो वो उस कलर का कभी नहीं दिखेगा और आपके आई शेडो भी लॉन्ग टाइम तक आईज़ पे नहीं रहेंगे। तो बेस में सिर्फ आईज़ के ऊपर ही क्रिएट कर रही हूँ क्योंकि मैंने आईज़ के ऊपर से ही रिमूव किया है, तो मुझे पूरे फेस के ऊपर बेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। काफी डार्क हो गया है, लिटरली काफी डार्क हो गया है। और मैं कह रही थी ये कितना लाइट कलर है, ये बिल्कुल भी लाइट कलर नहीं है, इसको तो लाइट बोलते ही नहीं है। सेम यहाँ पे भी देंगे। हाँ, बोल सकते कि मैंने मॉर्निंग में जब मैं मेकअप कर रही थी मैंने बेस तैयार नहीं किया था, मैंने बहुत क्विकली नहीं है आई शेडो अप्लाई कर लिया था जस्ट देखने के लिए क्योंकि बहुत क्यूरियोसिटी थी मुझे इस आईज पैलेट को लेकर। पर अभी बेस के साथ मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा कवरेज दे रहा है। तो आप मेरा लुक देख सकते हैं, कुछ खास नहीं किया है मैंने, मैंने सिर्फ डार्क ब्लैक को यूज़ किया है और थोड़ा सा रेड कलर को साथ में इसके मर्ज किया है और ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है मुझको तो वैसे। और मुझे ये पैलेट काफ़ी अच्छा लगा, ये पैलेट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसके कलर्स हाँ थोड़े लाइट हैं, माना लाइट है, पर डेफिनेटली अगर आप इस बेस ट्राई करते हैं तो ये कलर वाओ है, फिर तो ये वाओ है। तो मैं इसको क्या रेटिंग देना चाहूँगी, ये आउट ऑफ 10 मैं इसको 8 देना चाहूँगी। 8 इसलिए क्योंकि इसके जो कलर्स हैं वो थोड़े लाइट हैं और जब भी आप आई शेडो यूज़ करें तो डेफिनेटली थोड़ा डार्क आई शेडो यूज़ करें जिससे आपकी आईज़ एब्सोल्युटली पॉपअप हो जाए। और मेरी आईज़ भी काफ़ी पॉपअप दिख रही है इसमें, और या 8 रेटिंग करना चाहूँगी। और अभी एक पैलेट बचा है मेरा, ये न्यूड पैलेट अभी मेरा बचा हुआ है, पर इसकी अभी मैं रिव्यू नहीं करूँगी, इसकी रिव्यू मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में करूँगी क्योंकि ये न्यूड कलर है और डेफिनेटली ये बहुत अच्छा होगा। तो रेटिंग तो फिलहाल मैंने दे दी है 8 और मैंने इस पैलेट को भी थोड़ा बहुत देखा है अंदर से, तो डेफिनेटली इसकी जो रेटिंग है 8 मैंने दी है, तो मुझे इतना मतलब अच्छा है। 250 के अप्रॉक्स आपको दो आईज पैलेट मिल जा रहे हैं, एक न्यूड शेड और एक काफ़ी गोल्डी शेड में, तो मुझे अच्छा लगा। तो जो ब्रश मैंने ऑर्डर किए थे इसकी रेटिंग मैं क्या दूँ, ये 160 रुपीज़ में मुझे मिला है और इसके अंदर काफ़ी कुछ है, काफ़ी ब्रशेस हैं और
इसका पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छा लगा, ब्रश से ज़्यादा पैकेजिंग। अगर आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं और उसका प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा हो तो उसे खोलने से पहले ही आप काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं। तो मेरे साथ तो भाई ऐसा ही है, अगर प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा है बाहर से, बॉक्सेस काफ़ी अच्छे तरीके से मतलब पैक्ड हैं और बॉक्सेस काफ़ी अच्छे हैं, तो देखने में लगता कि ओ माई गॉड पता नहीं मैंने क्या ऑर्डर कर दिया। तो ऐसे ही कुछ हुआ था जब मैं ने इस पैलेट को खोला, मैंने कहा ओ माय गॉड मैंने क्या ऑर्डर कर दिया, मैंने इतना बढ़िया पैलेट ऑर्डर कर दिया, कहाँ मिलता है आजकल के ज़माने में। और इसकी जो MRP है वो 799 है, तो अब इमेजिन कर लीजिए कि 799 का पैलेट्स आपको 230-250 रुपीज़ में मिल रहा है, तो सोने पे सुहागा जैसा हो जाता है। और वैसे भी दिवाली आने वाली है, तो ठीक है जो भी मैंने ऑर्डर किया बिल्कुल सही ऑर्डर किया और मुझे मिला भी बिल्कुल सही। मुझे नहीं पता मेरा आइज लुक आप लोगों को कैसे कैसा लग रहा है, वैसे मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और कैमरे में भी काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी नाइस दिख रहा है। तो बस इतना ही, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।